तो फ्रेंड्स, आज हम एक परी फिश एक्वेरियम में, जो कि वन ऑफ द फेमस शॉप है कुर्ला फिश मार्केट में की, हम सबके चाहते आर्य भाई हमारे साथ में है, जो कि हमें बताएंगे कि उनके शॉप में कौन से नए फिश का स्टॉक आया है। तो चलिए जानते हैं आर्य भाई से। सबसे पहले मैं आप लोग का स्वागत करूंगा ये मेरी परिवहन में, जो ओल्ड दुकान है मेरी परिवहन, छोटी सी शॉप है हमारी, यहाँ पे आप लोग का स्वागत करता हूँ इस चैनल के ज़रिए से। परिवहन में आपका स्वागत है। और दूसरा, आप लोग को बोलना चाहूँगा 15 अगस्त की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये जो 15 अगस्त के लिए जो मैंने वीडियो बनाया हुई है इसके लिए। और यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को कि मेरे पास कौन सी मछलियाँ अवेलेबल है अभी इस प्रेजेंट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी वैराइटीज़ की फ़िशेज़ देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आप लोग को ये शॉप के अंदर की सब मछलियाँ और इन लोग के प्राइजेस वगैरह बता दूंगा आप लोग को। तो आप लोग आपने प्लांट्स का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन लाया है, पॉट वाले। पॉट वाले प्लांट जो होते हैं कि काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे पास सॉइल नहीं है और हम लोग सॉइल वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो वो हिसाब से वो पॉट वाला प्लांट भी रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आर्य भाई देखते हैं कि कौन से फिश का कलेक्शन है आपके पास में और उनके क्या प्राइसेस है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेड गोल्ड से, पांडाज एंड ट्रायो कलर में, आपको नजर आएगा यहाँ पे। प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है भाई। यहाँ पे पांडाज है ब्लैक एंड व्हाइट में और ट्रायो कलर है। ट्रायो कलर इसलिए बोला जाता है इसको कि इसके अंदर तीन कलर होते हैं, तो इसलिए इसका नाम ट्रायो कलर है। और यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है अपाची गोल्ड है, जिसके ऊपर जो रेड है एंड ब्लैक बॉडी में अपाची गोल्ड बोला जाता है इसको। और यहाँ पे ट्रायो कलर है, इसमें तीन कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑरेंज कलर है, रेड कलर। तो आप लोग को ये नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर से, ये सब इम्पोर्टेड गोल्ड है। ये गोल्ड जो है आपको 1800 पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, 1800 रुपीज पर पीस के हिसाब से। अगर आप पेयरिंग में लेंगे तो आपको 3500 रुपीज गोल्ड का है। यहाँ पे भी गोल्ड की वरायटी है, रेड कैप है, व्हाइट कैलिको है, रेड एंड व्हाइट वरांडाज है और वरांडाज है लाइनेट वगैरह, तो ये भी वरायटीज मेरे पास अवेलेबल है। तो इनके कैसे प्राइसेस हैं अरबे? ये आपको 354 पैर में आपको पड़ जाएगा, 350 रुपीस पैर। यस, अच्छा खासा बड़ा साइज भी है इसका, है ना? वरांडाज है, वरांडाज के अंदर भी टाइप्स होती है, मैं आप लोग को हर वीडियोस में बताता हूँ कि सेमी वरांडा वरांडा होता है जिसके जेली अच्छे होते हैं खूबसूरत कलर में। और अगर किसी को कम प्राइस में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा? हाँ, छोटी साइज में आप लेना चाहेंगे तो आपको 200-250 के पैर में भी मिल जाता है। और किसी को अगर कम प्राइस में चाहिए तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अरे भाई, इनका क्या प्राइसेस है? यहाँ पे नॉर्मल गोल्ड है, सेमी गोल्ड बोला जाता है जिसको। ये गोल्ड है शुभम किन वगैरह गोल्ड है इसके अंदर, और ब्लैक मोर जो था खत्म हो चुका है स्टॉक में, वो भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसके प्राइस जो रहेगा आपको 70-80 and 100 रुपीज पैर के समथिंग में ये अकॉर्डिंग टू साइज। यस यस। तो आर्य भाई, एज यूजुअल आपके पास में जो फाइट ऑफ फिश है उसका बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन होता है, तो इस बार भी बहुत ही बढ़िया सा रेड एंड डिफरेंट कलर्स में आपके पास में कलेक्शन दिख रहा है। फाइटर में अच्छा क्वालिटी का फाइटर्स हम लोग ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लोगों को मिले। और काफ़ी लोगों को ये भी पता है कि भाई परी एक्वेरियम जो है फाइटर डिस्कस और अपना ऑस्कर के मामले में काफ़ी नंबर वन पे, काफ़ी लोग जानते हैं हमें और काफ़ी लोग ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे लोग बहुत मोहब्बत करते प्यार करते हमसे, और काफ़ी लोग चाहने वाले हो चुके हैं हमारे, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू, आप लोगों का शुक्रिया। तो फाइटर्स में देखिए मेरे पास क्या कलेक्शन है, आप लोग को नज़र आ रहा है ये सब अच्छी क्वालिटी के फाइटर्स है मेरे पास, 150-200 के रेंज में फाइटर्स है, कैंडी वगैरह एलिफेंट ईयर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। तो ये आप देखेंगे फाइटर्स है यहाँ पे, यहाँ पे कैंडी वगैरह नीमो वगैरह की भी वैरायटी आपको देखने को मिलेगा। यस, इनका क्या प्राइस है? ये आपको साइज पे डिपेंड होता है, अगर स्मॉल साइज का है तो 350-300 के रेंज में आता है, अगर अच्छा साइज बड़ा है तो आपको 400 के हिसाब से आएगा। ये बिगा साइज में थोड़ा बड़ा साइज है तो आपको 400 रुपए पर पीस के हिसाब से आएगा। और ये वाले अभी ये वाले 200 रुपए पर पीस पड़ेंगे रोस्टेल में, 200 में ना। हाँ। इसमें भी बहुत ही प्यारा से, इसमें भी डिफरेंट कलर्स है आपके पास में। कलर में वैरायटीज बहुत सारी अवेलेबल है फाइटर्स के अंदर, आप देखेंगे तो आपको दो कलर या तीन कलर में, ट्रायो में अगर चाहिए तो आपको बेटाज भी मिल जाएगा ट्रायो में। ये वाला बात कर रहे थे अरे भाई? यस, ये काफी अच्छा है फाइटर्स है ये। मैं आप लोग को वीडियो के चलते थोड़ा सा नॉलेज भी देना चाहता हूँ, तो आप लोग को पता ही है कि फाइटर अगर आप बाय करते हो तो आप स्टार्टिंग में आप लिए तो आपको नया पानी आप डालते हो इट्स ओके चलता है, बट आप ध्यान रखें फाइटर के लिए 4-5 दिन पुराना पानी आप यूज़ किया करें। अगर आप, बहुत से लोग को ये नहीं पता होता है, बोलते नहीं भाई हमारे घर में ड्रम के अंदर हमारे मटके में पुराना पानी रहता है, वो मटके का पानी जो होता है आप उसके अंदर नया पानी ऐड करते हो तो वो हिसाब से वो पानी चलेगा नहीं, आप इसको पर्सनली अलग से सेपरेटली पानी रखो और वही पानी यूज़ किया करो, मतलब एग्जाम्पल आप बिस्लेरी की बॉटल वगैरह में।
ओके आरिफ भाई, और आरिफ भाई इसमें अपने पास में फीमेल है क्या, अगर किसी को ब्रीडिंग वगैरह करना है तो उनके लिए आपने फीमेल वगैरह रखा है? हाँ, फीमेल्स भी अवेलेबल है उसके लिए हमारे पास, तो आपको वो भी मिलेगी देखने के लिए यहाँ पे। ओके, तो आरिफ भाई ये वाला फीमेल का कलेक्शन है आपके पास है ना? हाँ, ये फीमेल्स है उसकी, मूनटेल्स की, अच्छे क्वालिटी की फीमेल्स है। काफी लोग जो है इंडियन फीमेल्स वगैरह देते हैं, इंडियन जो होते हैं जो छोटे साइज के, कलकत्ता मद्रास चेन्नई से आते वाले, इनमें उनमें बहुत काफ़ी सारा डिफरेंस होता है साइज़ में, वराइटीज़ में, टेल में और कलर में काफ़ी डिफरेंट होता है। बच्चे जो होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं निकलते अगर ब्रीडिंग के लिए आप यूज़ करेंगे तो। मेरे पास इन लोगों का प्राइस आपको 100 to 150 रेंज में आ जाएगा आपको। ओके, तो आरिफ भाई अपने पास में अरवाना फिश भी है, इसका कैसा प्राइस है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वीडियो के अंदर जो है सिल्वर अरवाना है मेरे पास, 8 inch का साइज रहेगा ये, 7 to 8 inch का साइज आपको ये मेरे हिसाब से 1100 रुपए में पड़ जाएगा, 1100 में। ओके, हाँ, और इसमें आ रही है डिफरेंट दिख रहा है अरवाना, ये वाला ये पल अरवाना है, पल अरवाना आपको 5000 रुपीज के रेंज में आएगा। ओके, अच्छा खासा बड़ा साइज है इसका, 6 to 7 inch का साइज है समथिंग। ओके आरिफ भाई, अरे भाई यहाँ पे भी अरवाना का कलेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी सिल्वर अरवाना, ये आपको 1000 रुपीज रेंज में मिल जाएगी ये वाली साइज, और इसके अंदर आपको एक मलेशियन हाईबैग भी नजर आएगा वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो गौर से। इसकी बात कर रहे थे अरे भाई आप, ये गोल्डन हाईबैग है, ये गोल्डन हाईबैग आपको 8500 रुपए के रेंज में मिलेगा, मलेशियन गोल्डन हाईबैग है ये। तो ये आप इसको अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने अरवाना ऑलरेडी पाल चुका है, आप कुछ अलग थोड़ा सा रेयर में कुछ पालना चाहते हो तो आप इसको पाले मेरे हिसाब से। अगर आप नॉर्मली सिल्वर अरवाना पालने वाले काफ़ी बोर हो जाते तो उसके लिए अगर कलेक्शन रख सकते हो। हाँ, ये काफ़ी अच्छा लगता है, आप सिल्वर के साथ में इसको ऐड करके डाल सकते हैं जिस तरह से हमने रखे। अरे भाई यहाँ पे जो डिस्कस फिश दिख रहा है ये आपने अरवाना के साथ में रखा है, ऐसे रख सकते हैं कि हम? हाँ, आप डिस्कस रख सकते हैं अरवाना के साथ में, और आपको डिस्कस के भी प्राइस में बता दूंगा वीडियो के चलते हुए। मेरे पास यहाँ पे देखिए डिस्कस नजर आ रहा है आपको, स्नो व्हाइट वगैरह, येलो है, इरप्शंस वगैरह है, मिक्स लॉट में रेड कवर वगैरह यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये सब आपको 800 रुपए के रेंज में आपको पड़ जाएगा, 1600 रुपए पेयर के हिसाब से। ओके, 800 रुपए का एक पीस, 1600 रुपए पेयर मिल जाएगा ना, बहुत ही यानी डिफरेंट वैरायटीज है, जो भी आपको लगता है वो बाय कर सकते हो आप। 3 inch के साइज में है ये, 3 inch के साइज है लोग की, और 2.5 inch का भी साइज का है। ओके आरिफ भाई, इसमें छोटे भी है अपने पास? छोटे भी अवेलेबल है यहाँ पे दिख रहे ये वाले। यस, इनका कैसा प्राइस है आरिफ भाई? ये 600 इसमें 1200 फॉर पेयर में आपको आ जाएगा, मेलन्स वगैरह, स्नो व्हाइट वगैरह मिक्स में इसके अंदर। ओके, इसमें भी है ना? हाँ, बढ़िया, ये रफेशिया वगैरह। और यहाँ पे दिख रहे हैं भाई ये कौन से टाइप के? ये थोड़े बड़े साइज की है, मतलब एक 3 inch का साइज है, थोड़ा पैटर्न वाला, अच्छा क्वालिटी का, इम्पोर्टेड टाइप्स में कुछ है ये, तो ये वाले आपको 1200 इंच में आएंगे, 1200 रुपये मतलब पर पीस के हिसाब से 2400 पेयर में आपको मिल जाएगा। ये रफलेशिया वगैरह, टर्कट वर्कॉइज वगैरह एंड मेलन है, और थोड़ा मिक्स वराइटी में मैप वगैरह। और अरे भाई यहाँ पे भी और डिस्कस फिश का कलेक्शन दिख रहा है साइड के टैंक में, ये टाइगर टर्कोइज है। ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। हाँ, ये इसके अंदर मेरे पास वैरायटी है, मैप है, चेकरबोर्ड है, मेलन है, वाइट फेस मेलन वगैरह सब कुछ है इसमें, वैरायटी मिक्स में है, आपको नजर आएगा वीडियो में देखते रहेंगे तो पूरा। तो इनका कैसा प्राइस है अरे भाई? ये आपको 1400 रुपये पर पीस के हिसाब से आएगा, और 1400 रुपये पर पीस, 2800 रुपीज पैर में आपको आएगा। अरे भाई यहाँ पे एंजल फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है, ये कौन से डिफरेंट टाइप के एंजल्स है अपने पास? यहाँ पे जेड ब्लैक एंजल है, और दूसरा वैरायटी लेस एंजल, जो मार्बल में जो घोस्ट एंजल भी बोला जाता है उसको, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग लोग नाम देते हैं उसको, तो ये आपको पड़ जाएगा 154 पेयर में, 150 रुपीज पेयर। यस, बहुत ही प्यारा सा है, इसमें से कोई भी बाय करो 150 रुपीज पेयर है ना। यस, जेड ब्लैक वाला भी बहुत ही प्यारा दिखता है। और अरे भाई ये वाला कौन सा एंजल है? यहाँ पे मार्बल एंजल है, ये मार्बल एंजल आपको 50 to 60 रुपीज पैर में मिल जाता है, और यहाँ पे डजन में लेंगे तो आपको 254 डजन में आएगा। ओके, 250 रुपीज डजन में मिल जाएगा है ना। यस, इसमें भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिख रहा है, और साइज भी अच्छा खासा है यार भाई। एंजल के वैरायटी साथ ही स्कार वगैरह जो रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस हो जाता है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप्स का, ये भी अच्छी क्वालिटी का एंजल है, आप इसको नॉर्मली रख सकते हैं, आपने स्टार्टिंग किया एंजल वगैरह रखना है तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। और आरिफ भाई ये वाले कौन से टाइप के एंजल है? ये कोई एंजल है, ये कोई एंजल है, कोई एंजल आपको 200 रुपये पर पीस के हिसाब से पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी के एंजल है थोड़े, और यहाँ पे एंजल फिश ही है लेकिन मोनो एंजल है, मोनो एंजल है, ब्रैकिश वाटर।
मोर एंजल आपको 400 पे में पड़ेगा, बड़ा साइज है थोड़ा सा, तो 200 रुपए पर पीस के हिसाब से, 200 रुपीस पर पीस है ना। अरे भाई, अरे भाई, ये मोनो एंजल के साथ में हम कैटफिश रख सकते हैं, तो वो है क्या अपने पास में? परी टू के अंदर कैटफिश है और छोटे साइज में भी कैटफिश अवेलेबल है यहाँ पे शॉप में। यहाँ पे दिख रहा है अरे भाई, ये है ना कैटफिश, ये छोटे साइज का स्कैट है, ये आप इसको रख सकते हैं नॉर्मली, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, या भी रख सकते हैं, ये सस्ता 100 रुपीस पेयर में आपको आ जाएगा। 100 रुपीस पेयर में है ना? हाँ। अच्छा खासा है, ब्लैक वाटर फिश किसी को रखना है तो आप ले सकते हो यहाँ से 100 रुपीस पेयर में। और अरे भाई, ये वाला कौन सा एंगल फिश है? अल्बिनो रेड आइज रेड कैप एंजल है ये। ओके, तो ये वाला आपको 254 पर पीस के हिसाब से पड़ेगा। 250 रुपीस पर पीस, पर पीस। ये भी थोड़ा रेड कैप के जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है ना, रेड कैप अल्बिनो थोड़ा रेयर होता है। टर्टल भी अपने पास में? टर्टल भी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे शॉप में। अभी फिलहाल इसका रेट भी आप लोग को बता देता हूँ, 400 रुपये पर पीस चल रहा है। अगर आप बॉम्बे में रहते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बाय कर सकते हो 800 रुपीस वो पैर में। अगर आप बॉम्बे के बाहर हो तो आप मिनिमम आपको 6 पीस बाय करना पड़ेगा और प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलग से। ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा और मिनिमम 6 पीस आपको बाय करना है। यस। और अरे भाई, इसमें डॉलर फिश दिख रही है, डॉलर आपको 254 डजन में पड़ जाएगा। 254 डजन, डजन में ना। ये वाला फ्लो हॉर्न जो है बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है अरे भाई, ये कौन से टाइप का फ्लो हॉर्न है? एक्चुअल ये SRD फ्लो हॉर्न है बट इसको KML भी बोलते हैं काफी लोग, और ये मार्किंग इसका हेड पे है तो मेरे हिसाब से इसको KML ही बोला जाएगा। और ये काफ़ी खूबसूरत फ्लोर है, ये आपको अगर चाहिए, मेरे इसका हिसाब से साइज रहेगा मिनिमम 6-7 इंच का साइज है इसका फ्लोरन का। ओके, तो ये आपको अगर चाहिए रहेगा 3000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से आएगा, 3000 में मिल जाएगा। यस। और अरे भी, ये छोटे साइज में फ्लोरन दिख रहा है, ये रेड रेड ड्रैगन फ्लोरन है छोटा साइज का, 300 रुपये पर पीस, 300 इंच में। और अरे भी, यहाँ पे भी दिख रहा है, ये भी SRD फ्लो हॉर्न है, तो आपको ये फ्लो हॉर्न पड़ जाएंगे 1800 पर पीस के हिसाब से। 1800 पर पीस है ना? यस। और इसके बाजू में ये? ये वाला आपको 1500 रुपए पर पीस पड़ेगा। ओके, ये कौन से टाइप का है? SRD है। और यहाँ पे दिख रहा है ये 1400 रुपए का। यस। अरे भाई, छोटे साइज में अपने पास में है क्या फ्लो हॉर्न में? मेरे पास इम्पोर्टेड में KML और ये मोस्टोकॉक के बेबीज भी है और SRD के रेड वाले कलर में फ्लावर हॉर्न भी है यहाँ पे शॉप पे अवेलेबल। ओके, आरी भाई, इसी की बात कर रहे थे आप? हाँ, ये रेड वाले फ्लावर हॉर्न है, ये आपको 300 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलेंगे। 300 रुपए पर पीस रेड आएगा आरी भाई? ये क्या होता है कि जेनेटिक हर फ्लावर हॉर्न को हेड नहीं आता है, ये कलर के मामले में काफी खूबसूरत है ये, बट दिखने में ब्यूटीफुल है और अच्छे दिखेंगे। जैसे कि कॉम्फर्स वगैरह को आपने देखा रहेगा कि उसको हेड नहीं आता है बट उसकी खूबसूरती ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से ये फ्लावर हॉर्न है, ये लोग दिखने में काफी खूबसूरत है, ये अच्छे भी है, तो ये आप इसको कलर के हिसाब से, मेरे हिसाब से फ्लावर हॉर्न अच्छा है। तो अरे भाई, यहाँ पे ऑस्कर फिश का भी कलेक्शन दिख रहा है आपके पास? छोटे साइज के ऑस्कर है इसके अंदर, मेरे यहाँ पे रेड ऑस्कर, टाइगर ऑस्कर और फायर रेड ऑस्कर है और वाइट में ऑस्कर है, तो ये वाला आपको 150 इंच में पड़ेगा, 300 रुपये पैर में, ये अच्छे क्वालिटी में मिल जाएगा ना अरे? 154 पैर में और 300 पैर में और 154 पर पीस। ओके, और इसमें कुछ डिफरेंट वेराइटीज है अपने पास? और इसके अलावा यहाँ पे टाइगर एंड कॉपर ऑस्कर है यहाँ पे। हाँ हाँ, इनका कैसे प्राइसिंग है? 354 पैर में आएगा, 350 रुपीस पे, थोड़ा साइज बड़ा है ना इसका? थोड़ा साइज बड़ा है। और यहाँ पे भी कुछ वैरायटीज दिख रही है आरी भाई ऑस्कर की? यहाँ पे भी टाइगर ऑस्कर और मोज़ेक ऑस्कर है इसके अंदर, और यहाँ पे रेड ऑस्कर भी नजर आएगा आपको। ओके, फायर रेड, तो ये वाले आपको प्राइस में पड़ जाएंगे कुछ समथिंग 500 रुपीस एंड 600 रुपीस पैर में। ओके, और इसको किसके साथ रख सकते हैं आरी भाई? ऑस्कर आप पैरेट, पिराना वगैरह या फिर मोनोंचल वगैरह के साथ में रख सकते हैं। ओके, यानी इसके साथ में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? नहीं, कोई इशू नहीं, साथ में बिल्कुल ही नहीं रखना है। अब छोटी मच्छी के साथ में ना रखें क्योंकि निगल लेगा, और गोल्ड फिश वगैरह के साथ में। ओके, ट्रॉपिकल फिशेस के साथ में ना रखें मेरे हिसाब से। पैरट के साथ रख सकते, पैरट के साथ रख सकते। ये पैरट का क्या प्राइस है अभी अपने पास? मेरे पास ये रेड पैरट एंड येलो पैरट है, 550-654 पैर में आएगा आपको ये। ओके, तो पैरट जो फिश होता है अरे भाई, तो इसको यानी किसके साथ में रख सकते हैं हम ऐसा कुछ? पैरट चिकलेट के साथ में, मोनोंजल स्कैट के साथ में रहेगा, और आप इसको पिरानाज वगैरह के साथ में या फिर कैटफिश की वैरायटी के साथ में आप इसको रख सकते हैं ना। ये इलेक्ट्रिक ब्लू रैम से बलून में 304 ईच में आपको पड़ेगा ये, 600 पैर में।
और इसके अंदर में दिख रहे हैं ये वाले, यहाँ पे क्रिबन फिश है, ये क्रिबन फिश आपको पड़ जाएगा फॉर 200 इंच में। क्रिबन फिश एक प्लांटेड कम अच्छी है, जो आप इसको डायनासोनी वगैरह या फिर अदर फिशेस में भी आप इसको रख सकते हैं। थोड़ा सेमी एग्रेसिव है ये, तो मारती है, बट मेरे हिसाब से तो ये आपको फाइट नहीं करती और ये रह पाती है प्लांटेड वगैरह में रैम्बोस वराइटीज के साथ में। आपने भी इसमें प्लांट रखा हुआ है ना? हाँ प्लांट रखा है, वो मेन प्लांट से। अरे भाई ये वाला कौन सा फिश है? यहाँ पे आपको जो गुरामिस की वैरायटी होती है, लेपर्ड गुरामी, जो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। हाँ, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ। प्लांटेड्स में आप इसको रख सकते हो, आप काफी शॉप में अगर देखेंगे तो बहुत कम इसको पब्लिक रखती है। हाँ। तो ये आपको 154 इंच के हिसाब से पड़ेगा, 304 पैर में आपको आ जाएगा लेपर्ड गुरामी। ये काफी खूबसूरत लगती है प्लांटेड के अंदर, ऐसा लगेगा कि आपको लेपर्ड कुछ लुक आता है उसको, काफी खूबसूरत दिखने में वो। अरे भाई इसको अदर गुरामिस के साथ में रख सकते हैं क्या? आप इसको ड्रॉप गुरामी के साथ में रख सकते हो या फिर आप टेट्रस के साथ में भी इसको रख सकते हो। एग्जांपल आपका प्लांटेड टैंक है तो आप इसको इजीली मेरे हिसाब से रख सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं है। प्लांटेड में कुछ रेयर वैरायटी के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, बट इसको मेरे हिसाब से श्रीम वगैरह के साथ में नहीं डालना चाहिए गुरामिस की वैरायटी को। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। ड्रॉप गुरामी एक्चुअली इम्पोर्टेड में जो आता है वो अच्छे क्वालिटी का होता है, और नॉर्मली जो इंडियन में रहते हैं छोटे साइज में, स्मॉल में एकदम बारीक साइज के, उसमें इसमें बहुत डिफरेंट फ़र्क है कलर्स में वगैरह। तो मेरे हिसाब से आपको 254 पैर में आ जाएगा, 125 इंच में। जो फीस दिख रही है गुरामीज है, इसका कैसा प्राइस है? 80 रुपीज़ फॉर पैर में आएगा, 80 रुपीज़ पैर में मिल जाता है ना। और यहाँ पे ये जो गोल्डन सकर दिख रहा है, गोल्डन सकर है बड़ा साइज में, बड़ा साइज का सकर आपको पड़ जाएगा 200 रुपीज़ फॉर ईच में, और ब्लैक वाला 80 रुपीज़ फॉर पैर में। और आरे भाई ये वाली जो फिश है ये किसिंग गुरामी है, किसिंग गुरामी, ओके। प्राइस ये आपको पड़ जाएगा, ये बड़ा साइज का आपको 154 पैर में पड़ेगा, 150 रुपीज़ पैर में है ना। अरे भाई यहाँ पे जो गुरामी फिश दिख रहा है ये वाला अल्बिनो रेडाइज जायंट गुरामी है ये, ओके ये वाला है जायंट गुरामी, यस। इसका क्या प्राइस है अरे भाई? 254 इंच है, 250 रुपीस इंच, यस। बहुत बड़ा होता है ना इसका, मास्टर फिश है, 2 फीट तक का जाता है साइज, 2 फीट, बहुत बढ़िया अरे भाई। और अरे भाई ये वाला, ये आपको वीडियो में नजर आ रहा है, इसका नाम अल्बिनो पिराना से, अल्बिनो पिराना, ये आपको 200 इंच में आएगा, 400 फॉर पैर में, ये बड़ा साइज का। दांत अच्छा साइज बढ़ता है वैसे दांत दिखना चालू होते हैं लोग के। इसका क्या प्राइस है? 400 रुपए पैर। तो आरी भाई यहाँ पे पिराना फीस भी दिख रहा है, ये कौन से टाइप का पिराना है? पागु पिराना है बड़ा साइज का, ओके। पागु पिराना आपको पड़ेगा 300 रुपीज फॉर पैर में, 300 रुपीज पैर में। हाँ, इसको किसके साथ रख सकते हैं भाई? पिराना आप कैटफिश वगैरह के साथ में रख सकते हो, और अदर आपने अगर मॉन्स्टर फिश रखे हो तो आप उसके साथ में भी रख सकते हैं, एग्जांपल ऑस्कर, या फिर आप कैटफिश की वैरायटी, या फिर आपने कोई पैरेट वगैरह, या फिर आप उसके साथ में इजीली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने इसमें सकर भी रखा है, सकर रख सकते हैं आप इसमें। क्या होता है कि मैं आप लोग को बता दूं वीडियो के चलते, कि एग्रेसिव मच्छी जो होती है ना, और उसके अंदर जो बड़ी होने वाली मच्छी मॉन्स्टर में, उसके अंदर आपको बड़ा साइज का सकर रखना होता है, क्योंकि क्या होता है कि एग्रेसिव मच्छी छोटे सकर को मारती है, तो हिसाब से। और आरे भाई ये वाला जो गप्पी फिश है कैसा प्राइस है? ये रेड टैक्सीडो गप्पी बोलते हैं इसको, रेड टेल गप्पी बोला जाता है इसको। तो ये आपको डजन में लेके तो 250 फॉर डजन, हाफ डजन लेके तो डजन में 250 रुपीस डजन में मिल जाते हैं ना, हाफ डजन में 150। ग्रेट 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 आरे भाई, किसी को अगर मेल फीमेल ब्रीडिंग करना है तो मेल फीमेल भी है इसमें दोनों बहुत है, मतलब जैसे कि मेल और फीमेल दोनों है इसमें, ओके। और आरे भाई ये वाला जो कोई फिश है इनका कैसा प्राइस है अपने पास में? ये कोई कार्फ है, इसके अंदर आपको 50 रुपीज इंच में पड़ेगा येलो कोई, और आपको इसके अंदर सब कलर मतलब मिलेगा, वाइट एंड सब कलर, बटरफ्लाई में भी आपको गोल्डन मिलेगा देखने के लिए। तो स्टॉक तो थोड़ा ख़त्म हो गया, मगर आजकल में इंशाल्लाह दूसरा माल आएगा। और मौली का आगे भाई कैसे? मौली बड़ा साइज का मौली है ये, मिनिमम 2.5 इंच के साइज के मौलीज रहते हैं ये, तो ये आपको आ जाएगा 250 फॉर डजन में, एक्चुअल ब्रीडिंग स्टॉक है ये। अभी लोगों को मौलीज वगैरह लगते हैं कि बोले भाई मौली है तो सस्ते में भी आते चीप में, तो मैं आप लोग को बता दूंगा, छोटी साइज रहती है, 1.5 इंच के साइज के रहते हैं या फिर 1.25 इंच के साइज के छोटे, ब्रीडिंग स्टॉक नहीं होता है, तो वो हिसाब से ये बड़ी साइज की मौलीज है, 250 फॉर डजन में आपको आ जाएगा।
और आरे भाई यहाँ पे जो ग्लोइंग टेटर्स दिख रहे हैं इनका कैसा प्राइसिंग है? 500 फॉर डजन में आपको पड़ेगा। 500 रुपीस डजन। इसमें भी डिफरेंट कलर्स है? कलर्स है, इसके अंदर पर्पल है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। ओके, चार में से कोई भी बाय करो 500 फॉर डजन में मिक्स में आप लेंगे तो। प्लांटेड में रख सकते हैं? प्लांटेड का फिश है बट टेट्रास में, सब टेट्रास के साथ में नहीं रहते। ओके, कौन से टेट्रा के साथ में नहीं रखते? नियॉन वगैरह फैमिली में या कार्डिनल में वगैरह आप डालने से थोड़ा सा अवॉइड करिए। अगर आपके पास श्रिम्प है तो आप श्रिम्प में ना डालें। अगर आप इसके अंदर बेटा फिश डालना चाहते तो भी वो भी ना डालें क्योंकि ये थोड़ा सा निपिंग करता है। अरे भाई टेट्रा फिश का भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन है अपने पास में, ये नियॉन टेट्रास है, इसका क्या प्राइस है? नियॉन टेट्रा आपको 250 फॉर डजन में पड़ जाएगा, 250 रुपये डजन में। प्लांटेड के लिए वन ऑफ द बेस्ट फिश? यस, बेस्ट है। और अगर आप ओनली फॉर नियॉन का भी सेटअप बनाते तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे लगेंगे। ओके और अरे भाई इसमें ये छोटे फिश दिख रही है? कुली लोच है। ओके ओके, ये कुली लोच आपको 100 रुपीज फॉर पैर में पड़ जाएगा। और अरे भाई ये वाले कौन से टेट्रास है? ग्लो लाइट टेट्रा। ग्लो लाइट टेट्रा जो है नियॉन टेट्रा के मुकाबले में कलर ज़्यादा इन लोग का वो होता है, लाइट जो ग्लो होता है, तो उसका नाम ग्लो लाइट टेट्रा है। अगर आप इसको प्लांटेड में डालेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, दिखने में भी अच्छे हैं। 254 डजन में आपको आ जाएगा, 250 डजन में। यस, और इसमें अदर फिशेज भी दिख रही है? इसके अंदर सीजल टेल टेट्रा है, हर्ली पिन लमिनोज है इसके अंदर, तो ये लोग का प्राइस आपको 600 फॉर डजन में आएगा और सीजल टेल टेट्रा आपको 75 पर पीस में पड़ेगा। और अरे भाई यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा टेट्रा फिश का कलेक्शन दिख रहा है, इनमें से ये कौन सी टाइप्स की टेट्रा है? यहाँ पे जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है वो जो है ब्लैक फिन टेट्रा है, उसका नाम है, और ये वाली आपको आ जाएगी 254 डजन में। वो जो कंप्लीट ब्लैक दिख रहा है वो वाला? ब्लैक डायमंड एम्परर। ब्लैक डायमंड है वो? यस, 75 पर पीस के हिसाब से आपको पड़ेगी। पर पीस? यस, आप डजन में लेंगे तो आपको 800 पर डजन में पड़ेगा। और यहाँ पे ये वाले जो दिख रहे हैं रेम्बोज की वैरायटी, नियॉन रेम्बो। ओके, नियॉन रेम्बो लेगा आपको 354 डजन में। 350 रुपीज़ डजन में? यस। और अदर जो टेट्रास है इसमें आपको जो एक दूसरा टेट्रा नजर आ जिसमें लाइन है वो आपको ब्लैक नियॉन है वो। हाँ, ब्लैक नियॉन लेगा आपको 354 डजन में आएगा, 350 रुपये डजन में ना। तो अरे भाई इसको भी हम प्लांटेड टैंक में रख सकते हैं ना? ज़ेब्रा डेनियो आप प्लांटेड में रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम लिमिट के बाद ये जब कभी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है, एग्जांपल गप्पीज़ वगैरह को मार देती है, या फिर आप थोड़ा सा श्रिम्प वगैरह आपके पास है तो ये मोर्टिलिटी मार देती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आप इसको पाले, प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिए, प्लांटेड आपके पास कम है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करें। और अरे भाई यहाँ पे जो फिश दिख रहा है ये कौन से है? कॉरी कैट फिश है। ओके, इनका प्राइस 125 ईच है, 254 पैर है। स्टर्बी, स्टर्बी नाम है इसका। स्टर्बी ये मच्छी आपके कॉरी कैटफिश, मैं आप लोगों को बता दूँ ये मच्छी आपके बॉटम ईटर में काम आती है। और ये जो फिश है कैटफिश की वैरायटी, कैटफिश इसलिए रखा जाता है कि आप जो फूड डालते हो आपके टेट्रास को या फिर आपकी मछिया को जो आप पाल रखे हो प्लांटेड में या फिर आपने टेट्रास रखे हो, जो बचा हुआ खाना है वो खाना ये मच्छी खा लेती है जो ज़मीन पे गिरा हुआ, जैसे कि पत्थर पेबल्स वगैरह। जो प्लांट यानी पानी की जो क्वालिटी वो अच्छी रहेगी। हाँ, क्या होता है कि सेंट वगैरह या फिर पेबल्स वगैरह में जो भी दाना फंसा हुआ रहता है, फूड जो फंसा हुआ रहता है, ये मच्छियाँ खा लेती है। फिश दिख रहे हैं ये थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, कौन से रहते हैं? ये आपको शार्क के जैसी नज़र आने वाली मच्छी जो है यहाँ पे, हाँ ये शार्क जैसी नज़र आने वाली मच्छी जो है, इसको एक्चुअल हाइफिन पेंगा से इस परून शार्क बोला जाता है। ओके, परून शार्क पे हाँ, ये वाली तो ये वाली आपको मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, आपको 500 रुपये पैर में आपको मिल जाएगी। 500 रुपये पैर में मिल जाएगी पैर में। ओके, और इसके साथ में डॉलर दिख रहा है बड़े साइज में? बिगर साइज के डॉलर है, मीडियम साइज के डॉलर है, 600 टू 500 पैर में। ये वाला इंडियन डोराडो बोलते हैं इसको। इंडियन डोराडो एक्चुअल ये मच्छी इंडिया का मच्छी है, नदी में पाया जाता है, रिवर का फिश है। तो इसको सिल्वर चेला या फिर सिल्वर मुरेट बोला जाता है, नाम अलग अलग है इसके। तो ये मच्छी जो है इंडियन अरवाना जैसा इसका मुंह बड़ा खुलता है और ये बढ़ती भी उतनी है, 1.5 फीट तक जाती है। तो ये कितने तक मिल जाती है अपने पास? ये आपको पड़ जाएगा 300 फॉर पैर में। 300 रुपीज़ पैर में? यस। इसके अलावा वहाँ पे डॉलर कितने के बोले? बिगर साइज के डॉलर जो है 600 फॉर पैर में आएगा और थोड़े छोटे साइज के जो है 500 रुपीज़ पैर में आएंगे। उसके अलावा जो आपको टिम फॉइल नजर आ रहे हैं अल्बिनो वाले, वो अल्बिनो टिम फॉइल आपको 300 रुपये पैर में आएगा। 300 रुपीज़ पैर। यस। ये शार्क बहुत दिनों बाद देखने में आया, आपने लाए, बहुत बढ़िया। परुण शार्क जो है कि हर कोई रखता नहीं है, और मेन बात ये है कि परुण शार्क
थोड़ा बड़ा होने के बाद काफी खूबसूरत लगता है ये। और नॉर्मल शार्क जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट का जो पैटर्न है ना वो बहुत बढ़िया, हाँ उसके ऊपर के जो फिन है ना, फिन वो फिन काफी खूबसूरत लगते हैं, मतलब ओरिजिनल शार्क जैसा। आप तो आरी भाई इसमें जैसा हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में नॉर्मल शार्क दिख रहा है और राइट साइड में परून शार्क दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या आरी भाई? जो इंडियन शार्क जो है वो एक्चुअल क्या है कि उसके जो बॉडी के ऊपर लाइनिंग देखेंगे आप उसकी, और बॉडी की लाइनिंग आपको नज़र आ जाएगी ज़्यादा। और उसका जो आगे का फेस है, फेस दोनों का अलग होता है और इसका साइज और उसका साइज पड़ता दोनों का सेम साइज में, ओके। बट वो एग्रेसिव में नहीं आती और ये एग्रेसिव में आती है बड़े होने के बाद। आरटीसी रेटल कैटफिश बोला जाता है इसको, आरटीसी शॉर्ट फॉर्म में आरटीसी एंड रेटल कैटफिश। ये आपको पेयरिंग में लेंगे तो आपको 500 रुपीस वो पेयर में आएगा, 500 रुपीस पेयर में आ जाएगा है ना? यस, मॉन्स्टर फिश में आता है, मॉन्स्टर फिश में आएगा, बहुत सारा कलेक्शन। भाई ये वाले जो पॉट वाले प्लांट देखे अपन ने, इनके कैसे प्राइसेस है आपके पास में? बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज दिख रही है। पॉट वाले प्लांट्स अगर आप लेते हो एक सिंगल तो 80 रुपीस पर पीस के हिसाब से आता है आपको पॉट में मिल जाता है। हाँ, अगर आप 6 पीस लेते हो तो 500 रुपये में आता है आपको। ओके, मैं उसमें थोड़ा कम प्राइस होके मिल, हाँ आप जैसा क्वांटिटी उठाएंगे वैसा पॉट का प्राइस चेंज होता है। तो इसमें आपने ये भी रखा हुआ है नियॉन टेट्रा, हाँ नियॉन बड़े साइज के नियॉन टेट्रा है, ये आपको 350 रुपये डजन में आएगा। इसमें प्लांट्स के नाम कुछ बताएंगे आप? प्लांट्स के अंदर उसके अंदर बकोबा है, रेड लुडवी क्या है, एक्वारोज है, रेड प्लांट्स है, और उसके अंदर यहाँ पे रेड मिंट है, और यहाँ पे ग्रास की वैरायटी में ये प्लांट्स आता ही है, ये एक वैरायटी है। और यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं अरे भाई, ये सॉइल वाले प्लांट्स हैं। मैं आप लोग को मैंने वीडियो में बोला हूँ कि भाई ये पॉट वाले जो प्लांट्स होते हैं जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे पॉट वाले प्लांट्स, ये जो पॉट वाले प्लांट जो है ये कुछ समय तक होते हैं पॉट के अंदर, उसके बाद ये सड़ना चालू होते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरा यही एम्बिशन है कि भाई काफ़ी लोग मेरे शॉप पे आते हैं, भाई पॉट लिया था ख़राब हो गया मर गया, तो आप लोग को सॉइल में प्लांट लगाना है, ले जाके आप सॉइल में लगाएंगे तो प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होगा। पॉट में नहीं रखना है आपको, पॉट में से निकाल के सॉइल में लगा, सॉइल में लगाना है जैसे कि आपने लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये विदाउट सॉइल वाले इमर्ज प्लांट्स बोलते हैं इसको, तो ये विदाउट सॉइल में, डायरेक्ट सॉइल में। इसका अंदर जो था प्राइजेस में भी चेंज है क्योंकि हाँ प्राइजेस सॉइल वाले 100 रुपीज़ तो 154 बंच में आते हैं ये वाले। तो ये जो प्लांट्स है सॉइल वाले जो प्लांट्स है ये प्लांट्स ग्रोथ होते हैं, आपको लाइट और फर्टिलाइजर लिक्विड वगैरह आपको डालना है, आपका प्लांट्स आपके इजीली ग्रो हो जाएंगे। हाँ, आपको ज़रूरी नहीं कि आप CO2 वगैरह लगावे, आपको लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह या फिर आप दूसरा कार्बन प्लस वगैरह हो जाएगा। हाँ वो भी आपका तुम्हारी भाई, आपका जो परी एक्वेरियम शॉप है 1 नंबर, उसके अंदर भी बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज है, जैसे कि लेपर्ड गुरामी जो है वो हमने देखा नहीं था पहले, तो मुझे पहली बार देखने मिला आज, तो डिफरेंट कलेक्शन लाते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। लेकिन अरे भाई एक सवाल और था कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि 15 दिन तक पानी रखना है उसके बाद में फिश ऐड करना है, तो ये क्या फंडा है? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल मेरे भी शॉप पे काफ़ी लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई अभी तक पानी सेट नहीं किया है, अभी टाकी जाके मैंने रखा हो, अभी पानी मेरे को रखने का एक हफ्ता, उसके बाद मच्छी डालूंगा, पानी सेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ इसी के ऊपर से, पानी चेंज करने के बाद, साइफन करने के बाद, आप जब पानी चेंज करते हो उसके बाद नया पानी डाला जाता है ना डिक्लोरिनेशन डालने के बाद, तब तो पुराना पानी नहीं होता है, है ना? तो ये कहाँ से नई थिंकिंग लेके आ गए? भाई हम भी दुकान चलाते हैं, हमारे पास भी दो दुकान है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, मगर मेरी बात सुन लो, पानी हम चेंज कर दिए, डिक्लोरिनेशन ऐड किए, मच्छी छोड़ दिए, ओके। अब हमने तो एक हफ्ता पुराना पानी नहीं रखा, अगर एक हफ्ता पुराना पानी रखना है तो मेरी दुकान पूरी खाली रहेगी, मच्छी तो कोई, चलो मैं तो छोड़ ही दो। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी दुकान वाले हैं जो भी मच्छी बेचते हैं, तो वो तो भाई पानी स्टोर करके नहीं रख रहा ना कि एक एक हफ्ता पुराना पानी रख रहा है कि भाई नहीं मैं पानी सेट करूंगा बाद में मच्छी छोड़ूंगा, ये तो दिमाग से निकाल दो सबसे पहली बात। ये किसने डाला है क्या डाला पता नहीं मुझे, अभी नया नया सुनने में आ रहा है भाई पानी सेट करने के लिए रखेला मैंने, हाँ अभी अरवाना नहीं लूँगा, अभी मच्छी नहीं खरीदूंगा मैं, रुक जाओ आरिफ भाई, अभी पानी सेट होने दो, 4-5 दिन जाने दो, उसके बाद मच्छी खरीदूंगा, टाकी मैंने ले लिया, आरिफ भाई टाकी पानी भर के रखूँगा, फिर एक हफ्ते बाद आके मच्छी लूँगा पानी सेट करने के बाद, ओके। प्लांटेड में समझ में आता है, प्लांटेड आपने बनाए पानी डिस्टर्ब रहता है, सेंट रहता है, सेंट खराब रहेगा, पानी फॉगी रहेगा,
ओके उसमें समझ में आता है, समझ में आया पानी खराब है। नॉर्मल टैंक है तो उसमें इसकी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, आपको डीक्लोरिनेशन डालना है, मच्छी छोड़ना है, आपका स्ट्रेसिल वगैरह पड़ा है वो यूज करो, कंडीशनर पड़ा वही यूज करो। ओके, और ये भी आप लोग को बता, कंडीशनर डालते हो आप ओके या स्ट्रेसिल डालते हो आप? बहुत से लोग का मैंने सुना हो, अभी नया नया सुना हो, नया नया कॉल आते मेरे को, अरे भाई अरवाना कोना पकड़ लिया। ओके, भाई ने डिक्लोरिनेशन नहीं डाला, बराबर क्या डाल रहा है? स्ट्रेसिल डाला है। अब स्ट्रेसिल मेरे को बताओ पानी का क्लोरीन उड़ाएगी क्या? एक बंदा कॉल करके बोल रहा, अरे भाई मैं काफ़ी दिन से मच्छी रख रहा था, मेरा मच्छी ऐसा ऐसा हमका ढमका हो रहा है। ओके, तो मैंने बोला भाई क्या हुआ, क्लोरीन डाली तुमने? अरे अरे भाई क्लोरीन नहीं डालता, मैं तो नमक डालता बोले, हर बार तो पानी चेंज करता बोले, मैं नमक क्या डालने की जरूरत है, क्लोरीन में कभी डाला नहीं। डिक्लोरिनेशन जरूरी है, हमको भी माफी नहीं है, हमने नहीं डाले, हमारी मच्छी पलटी, हमारी टाकी पलटी, 10,000 का माल 15,000 का माल मर जाता। सही बात है। ओके, तो अरे भाई कौन सा, यानी कौन सा डिक्लोरिनेटर है जो डालना चाहिए? ये व्हाइट डिक्लोरिनेशन इस पे लिखा है। ओके, ये वाला हमने डालना चाहिए ना? ये यूज करना चाहिए। छोटे हो जाएगा ना भाई? ये जरूरी कंपलसरी, हमको भी माफी नहीं, हम लोग हार्ड फॉर्म में यूज करते हैं, आप लिक्विड में यूज करो आप। ओके, तो आरिफ भाई थैंक यू वेरी मच कि आपने नॉट ओनली फिश के बारे में नॉलेज देते हो हमें, तो उसके साथ में उसको कैसे सरवाइव करवाना है वो भी बताते हो, तो उसके लिए भी थैंक यू कि जैसे आपने बताया कि डीक्लोरिनेटर डालना चाहिए और उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है ये भी बताया, थैंक यू उसके लिए आरिफ भाई। और आपके जो व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है उनको कुछ बोलना चाहोगे आप? थैंक यू सो मच आप लोगों का जो मुझे इतना लाइक करते हो और मुझे इतना पसंद करते हो। काफ़ी लोगों की डिमांड थी, काफ़ी दिनों से लोग आके बोल रहे थे कि भाई बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं आया, 4 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, काफ़ी लोग आके बोलते थे, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया। इंशाल्लाह ऐसे वीडियो बनते रहेंगे आप लोगों के लिए, और थोड़ा नॉलेज वाली वीडियो बनाते रहूँगा इंशाल्लाह। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं फिशेस का जो मेरी दुकान का ऊपर एक्वेरियम का आता है, इसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी सीखने के लिए, इंडिविजुअल फिश का भी आपको वीडियोस देखने हाँ पर्सनली आपको हर मछिया का वगैरह आपको नॉलेज मिलते रहेगा। ओके आरिफ भाई थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके ओके बाय आरिफ भाई, बाय। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए।